अरे तुम लोग दोनों मिलकर उठाओ क्या कॉमेडी करते शायद इसी बहाने आप फिल्म का प्रचार भी तो कर रहे हैं मेरे साथ है। प्रचार कर रहे हैं कॉमेडी करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार लाइव, मैं हूँ वंदना और अभी हम मौजूद हैं पटना के ग्रैंड होटल में जहाँ पे काजल फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद है भोजपुरी अभिनेत्री काजल यादव जी। आइए बात करते हैं उनसे, मैम फिल्म का खासियत क्या है और कुछ क्या कुछ नया है इस फिल्म के बारे में बताइए। इस फिल्म में बहुत कुछ नया है। इस फिल्म में अग्रवाली जी के स्पेशल सॉन्ग है, काजल अग्रवाल जी के स्पेशल सॉन्ग है, प्लस आदित्य मोहन जी है, हर्षित जी कवर है और प्लस मैम उस फिल्म में और फिर ऐसी केमिस्ट्री हमारी आपको देखने को मिलेगी और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और पूरी पारिवारिक फिल्म है ये और प्रोड्यूसर ने बहुत खर्च किया है, ऐसा नहीं है कैसे फिल्म बना दी है जिसके आप ट्रेलर देखते बहुत खर्चा किया ये जितनी ना सेट ऑफ डिमांड करते थे ना वो खर्चा किया प्रोडक्शन नहीं है ऐसा नहीं है बट दिल से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है सर ने और आप सब जरूर देखिए, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहूँगी ये फिल्म। इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? मेरा इसमें बहुत ही अलग अलग तरह का किरदार है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इसमें मैं इसमें साइंस की स्टूडेंट भी बनी हूँ। एक नागिन जितने रंग बदल सकती हो अपने रंग और हाँ जैसे कि बहुत से शेड्स हैं तो फिर आप लोग जो रियल का जो लैब होता है साइंस का लैब वो दिखाया है, देन दिखाया है तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे जो कि मुश्किल से देखने मिलता है मुझे। प्लीज काजल जी, सभी लोग बोलते हैं कि भोजपुरी फिल्म में कुछ ऐसा पड़ता रहते हैं कि लोग पसंद उसको नहीं करते हैं, इस फिल्म में क्या है? देखिए लोग वल्गर को ही देखा जाए तो यूट्यूब पे जो चीज़ें ट्रेंड करती है और जो व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं वो वल्गैरिटी के ही ज़्यादा होते हैं और हम जब इतनी अच्छी फिल्में बनाए हैं तो इसके भी पता चलेगा कितने व्यूवर्स है और क्या रिजल्ट आता है। अगर ये फिल्म हमारी बहुत अच्छी चलती है तो इससे पता चलेगा शायद पब्लिक की टेस्ट जो है चेंज हो रही है और जो ऑडियंस बोलती है कि वल्गर है हमें नहीं चाहिए तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए आप लोग। अगर आप ऐसे फिल्में अगर आप मिस कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ऐसी काजल जैसी साफ सुथरी फिल्में बनाने का कोई अगर ऐसी फिल्में आप लोग मिस कर दोगे तो सिर्फ हल्ला करते रह जाओगे कि भोजपुरी से अश्लीलता बनाओ और मुझे बोलोगे करोगे नहीं। आप लगता है जो लोग बोलते हैं ना उनको ही अश्लीलता चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ ये फिल्म को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए क्योंकि ये आपके बच्चे फिल्म है, आप ऐसे समझिए और आप कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे इसे अपने डॉटर्स से अपने बच्चों से, बहुत ही फैमिली ड्रामा है जी। मैं आप लैंग्वेज में मत जाओ, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। अपने बारे में बताइए, आपने इस कैरेक्टर को अपनी स्टार्टिंग की है और क्या जो मेरी शुरुआत हुई थी भोजपुरी फिल्म की पहली सपूत फिल्म थी आज से 4 साल पहले खेसारी जी की, उसमें तीसरी फिल्म थी वो और उसके बाद मैंने 3 साल का गैप लिया, फिर मुझे मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना था तो मैंने अपनी स्टडीज कम्प्लीट की, फिर मैंने मोहब्बत फिल्म की भोजपुरी में ससुराल, मेरी अपकमिंग फिल्म है जमाई राजा, मजगिल गदर प्यार में चिराग, फिर काजल, बहुत सारी फिल्म है जो मेरी अपकमिंग है। पॉजिटिव रोल है और बहुत ही अच्छी कहानी है फिल्म, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है और मेरे सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग इस फिल्म को सपरिवार देखने के लिए जाएं। इसमें काजल यादव जी ने भी काम किया है, माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरी टीम ने इतना बढ़िया काम किया है। प्लस मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा ब्रजभूषण सर को जिन्होंने मैं साउथ इंडियन होते हुए मुझे भोजपुरी फिल्म में काम दिया और ये तो मेरे बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं इन्होंने बहुत खर्चा किया है फिल्म में पूरी यूनिट, मैं पहली फिल्म में काम करके बहुत ही धन्य हो गया।